इस मुल्क का जो 85% लोग खाली बैठे हुए हैं, दे हैव गॉट नो वर्क, देहातों में बैठे हुए खाली थी, वहां बस चली जाए और ये तो लॉर्ड लेके चले हैं और लॉर्ड स्पीकर सारे खुशी साहब, आप 85% इज अ लॉट, अब कुछ बदल नहीं गया? नहीं, ये अभी खाली बैठे हुए हैं जी, बिल्कुल बेकार बैठे हुए थे, इनको काम 85% लोग बेकार बैठे, काम ही नहीं है, देर इज नो वर्क, तो उनको आप लॉर्ड स्पीकर कह दें भाई लाहौर चले, और वहां पर लगा कि बिरयानी की प्लेट भी मिल जानी है, कोई 50 रुपया या 100 रुपया 150 मिल भी जाना है, दे हैव नो रिक्रिएशन। यानी आप देखें कि अमेरिका में अगर आप 100 बंदे इकट्ठे कर ले सड़क पर तो कहते हैं वेरी वेरी सक्सेसफुल प्रोसेशन, क्योंकि लोगों के पास टाइम ही नहीं है, वो जो आए हैं वो अपने उस दिन के कोई अपना 400-500 डॉलर कुर्बान करके आपके जलसे में या जुलूस से शरीक हुए, यहाँ तो खाली बैठे हुए हैं, उनको तो देयर इज नो रिक्रिएशन, ये उनकी रिक्रिएशन है, चलो यार लाहौर चलिए, लाहौर चलिए। तो चीज ये है, दीज जलसास आर नाइदर हेयर नॉर देयर, और फिर हर पार्टी का उतने ही बंदे बैठे हुए हैं, तो कैसे पता लगे कि वो किसके साथ हैं? सो देयरफॉर ये एक बड़ा एक डाउटफुल किस्म का चीज है कि भाई वो जो जलसे की जो तादाद है, बात यह है कि दे हैव बिन कंडेम बाय द कोर्ट्स, दे हैव बिन कंडेम बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, भाई जिसके लिए मस्जिद नबी में नारे पड़ जाए चोर के, बात खत्म होगी, मस्जिद नबी में जिसके चोरी के नारे पड़ जाए, वेर आपका कहां आपका तकद्दस रह गया? सो देयरफॉर ये जो है द होल फैमिली इज नाउ कंसिडर्ड टू बी अ डकैत, जिन्होंने डाके मारे हैं, जिन्होंने चोरियां की हैं, और इन्होंने इतना जुल्म किया इस कौम पर, किसी को कर्जों में जकड़ दिया है, दे आर नेशनल क्रिमिनल्स, इनको तो आर्टिकल 6 के तहत इनको सजाए मौत देनी चाहिए। एंड आई टेल यू सी समबडी विल कम जो इनको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके मैं बड़ा स्ट्रेट आदमी हूँ, ये स्ट्रेटनेस आपकी अपनी जगह, ये स्टेज इसको मुल्क में आईन है, वो कानून है, अगर ये तरीकाकार शुरू हो गया तो फिर तो सब एक दूसरे को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोलियां मार रहे हैं। दैट स्टेज इज कमिंग, people are that, that's going to be that's very See, alarming that's going to be very no, not alarming dangerous yeah, that's the only way is mulk mein agar aapne is mulk ko point blank pe goliyan mare logon ko aap unko quick apna trial de and you know क्लियर दम सीधी थी जैसे कि आयतुल्लाह खुमैनी ने किया था। सर तो फिर आपकी अदालतें हैं, आपके वकील, ये सब किधर जाएंगे? वकालत वकील और अदालतें पाकिस्तान के लिए है, अगर पाकिस्तान ही नहीं रहेगा कहां अदालतें होगी, कहां वकालत होगी, कहां कानून होगा? पहले ब्रेक की जाने पड़ना सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ब्रेक से वापस आऊंगा, डॉक्टर फरीद प्राचा साहब की जानिब जाऊंगा। अब ये सारी चीजें जो है ये एक तासर ये दे रही है कि प्रोबेबली नवाज शरीफ इज लाइक शेख मुजीबर रहमान, क्योंकि इज ट्राइंग टू बड़ा इसको उसका भी हवाला दे चुके हैं, जिक्र का भी हवाला दे चुके हैं, मुजीबर रहमान का बड़ा जिक्र कर रहे हैं, और उनकी बेटी बनी हुई है अपनी हसीना वाजिद, तो अगर उस लाइन पे वो चल रहे हैं तो वो लाइन लंदन से बैठ के नहीं चल सकती, वो यहीं उसके लिए उनको आना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि अगर चले जाते हैं तो एक तासर जो पार्टी के अंदर होगा कि पार्टी में ऑलरेडी भगदड़ पड़ी हुई है, आप देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे लोग दाएं बाएं हो रहे हैं, और इनके जाने के बाद बड़ी मुश्किल से कोई हफ्ता अगर वो नहीं आते जो डेट दे के गए तो इनकी पार्टी जो है ना बिखर जाएगी इसी चीज, और अगर वो आते हैं तो केस जो है वो अपने फाइनल स्टेजेस पर आ चुका हुआ है, और अब सिर्फ एविडेंस कंक्लूड हो जाना है अपना उसका प्रोसिक्यूशन का, उसके बाद आई डोंट थिंक इसमें कोई उनकी कोई सफाई है, सवाई उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन किया है एट लेंथ, तो फिर उसके ऑर्गुमेंट्स होंगे और ऑर्गुमेंट्स के बाद फिर लास्ट स्टेज होती है फैसले की, और फैसला इनको नजर आ रहा है कि इनको सजा हो जानी है जिस किस्म का, क्योंकि तो यानी कि दोनों सूरत हाल में चाहे वो यहां रहे चाहे मुल्क से बाहर रहे इस वक्त उनके लिए मुश्किल वक्त है, इनके लिए बड़ा भागना भी उनके लिए उनके फायदे में नहीं रहेगा। खुशी साहब इस वक्त जो एक नारा बुलंद किया नवाज शरीफ साहब ने, वोट को इज्जत दो, जरूरत वोट को इज्जत देने की है या वोटर को इज्जत देने की है? ये नहीं होना चाहिए था कि नवाज शरीफ साहब अब इतनी दफा इक्तदार में आए कभी उनको ये ख्याल नहीं आया कि उनके वोटर को उन्होंने इज्जत देनी है, सिर्फ उस वक्त तक देते हैं जब तक इलेक्शन कैंपेन चल रही होती है, उसके बाद नहीं, तो वोटर को इज्जत कौन देगा? वोट को तो इज्जत मिल जाएगी जब आप वोटर को इज्जत देंगे। ये उनका जो कंटिन्यूटी है उनके बयान की कि मुझे
20 करोड़ आवाम ने पर्ची डाली, मुझे 5 लोगों ने वो पर्ची फाड़ दी। ये उसी का ही एक कंटिन्यूशन तसलसल है। बात यह है वो जो इस वोट को लेकर असेंबलियों में आए, उनको तो मियां नवाज शरीफ तुमने एक एक साल मिला नहीं हो एमएनए और एमपीएस को, तो वोट का तकद्दस तुमने खुद ही खत्म कर दिया कि जो लोग जी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे जी, और जो कि दो दो ढाई ढाई लाख लोगों को की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनको तुमने भंगियों की तरह ट्रीट किया, अपने जी अपने अपने नौकर कमी काजिकों की तरह करा, तो तुमने तो खुद तकद्दस नहीं किया। क्योंकि तुम उसी रांधा दरगाह हो गए हो और अपना तुम्हें कौम ने चोर डिक्लेयर कर दिया है जी, तो अब तुम समझते हो कि क्योंकि तुम कुर्सी पर नहीं हो इसलिए पाकिस्तान भी उसी कमजोर हो रहा है। दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। पाकिस्तान जो है वो चल रहा है, इनके बगैर भी चलेगा। कब्रिस्तान भरे पड़े हैं इंडिस्पेंसिबल लोगों से जो कल तक जिंदा थे, वो कहते थे कि हमारे बगैर पाकिस्तान नहीं चलेगा। पाकिस्तान चल रहा है और पाकिस्तान चलता रहेगा। सो देयरफॉर ये जो क्राउड है, हाँ, जो आपका जो बरादरी है मीडिया वाले, कोई कहता है -1, कोई कहता है जी -2, इट इज गोइंग टू बी -ऑल जी। और ये जो आप जो है ये पैनामा और ये कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले, ये तो सिर्फ एक दिखावा है। अल्लाह की तरफ से इनकी पकड़ आई है। अच्छा, अल्लाह की तरफ से इनकी पकड़ आई है। कभी कोई भुट्टो कभी सोच सकता था कि वो तख्तादार पर चला जाएगा? अल्लाह की रस्सी जो है दराज है, इसी जब उसका उसके फंस जाता है तो फिर उसको कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। इनकी पकड़ अल्लाह की तरफ से आई है कि इन्होंने जुल्म किया। इन्होंने यहां से पैसे जो यहां रोड्स बनाने के लिए, कारखाने बनाने के लिए, बिजली घर बनाने के लिए पैसे आपके और मेरे नाम पर आए, वो इन्होंने जेबों में गए एंड दे लैंडेड अप अब्रॉड, और वो कर्जे का बोझ हम पर डाल दिया गया। इन्होंने बहुत जुल्म किया है एंड इनके इस जुल्म को अब कौम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। राजा साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक बयानिया जो नवाज शरीफ साहब दे रहे हैं और एक तासुर जो दिया जा रहा है कि कहीं से डोरें हिलाई जा रही हैं, अवाम भी क्या समझते हैं इसी तरह की कोई बात? या जो कि जिन जिन का एहतसाब होता है, जो अपने आप को मुश्किल में फंसता हुआ देखते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं और अवाम इस बयानिए के साथ नहीं है बिल्कुल भी? देखिए, अगर ये कोई डोरे हिलाई जा रही हैं तो ये जवाब देना उनके जिम्मे है जो ये बात कह रहे हैं कि वो कौन सी डोरे हैं, कौन हिला रहा है, किस तरह से हो रहा है। ये महज एक तासुर दे के और जो कुछ है, एक चीजें बहुत वाजे होकर सामने आ रही हैं, यानी लूटी हुई दौलत है, रकम है, मामलात है, अदालती कार्रवाई है, उस सबको इस एक लफज से वो गोल करना चाहते हैं कि ये कोई डोरे हिलाई जा रही हैं। अगर कोई ये साजिश है तो ये वो साजिश है कि जो इन्होंने, यानी अगर पानामा में नाम आया है तो वो यहां से तो किसी ने नाम नहीं दिया, वो नाम तो वहां से आया है, और सिर्फ इनका ही नहीं बाकी कई ममालिक में है। क्या यहां से डोरे हिलाने वाले इतने ताकतवर हैं कि वो दुनिया के तमाम ममालिक के लोगों के नाम वो पानामा में डलवा सकते हैं? तो गोया के कोई बात करते हुए आप ख्याल करें, फिर पूरा मौका दिया गया, यानी अदलिया ने एक मर्तबा, दूसरी मर्तबा, अब ये तीसरी मर्तबा है कि जो कुछ आपके पास है इसके बारे में आप बताएं कि आपके पास रकम कहां से आई है। अब ये वो चीज है कि जिसमें किसी की डोरे हिलाने की तो कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ये डोर तो खुद आपके अपने पास है, और आप इसका जब सबूत देंगे और आम आदमी तक भी वो पहुंचेगा तो जाहिर बात है कि वो इतनी वाजे चीज होगी कि कोई भी आप ये नहीं कह सकेगा कि आप तो बड़े क्लियर थे, आपके मामला ठीक थे, लेकिन आपके साथ ज्यादती की गई है। तो ये चीज एक ऐसी है कि जिसके बारे में, यानी और ये मामला जो है आगे भी चलने चाहिए, यानी है कि ये एक हमारे मुल्क का जो एक बहुत बड़ा मसला है करप्शन का, ये करप्शन के मामलात आम आदमी की जिंदगी को बड़े मुतासर कर रहे हैं। अगर बड़े बड़ों की करप्शन जो है उनके मामले में एक नरम रवैया हो जाता है तो नीचे तो हर दफ्तर के अंदर जो है वो छुरियां और टोके लेके बैठे हुए हैं। गरीब आदमी को तो रोज जिबा किया जाता है, वो तो बिजली का बिल जो है वो जमा कराने, देने, ठीक करवाने, उसके उसके गर्दश के अंदर भी उसको पैसे देने पड़ते हैं, वो तो थाने में उसको
हर दफ्तर में उसको, ये जो एक बड़े पैमाने फिर जो करप्शन है एक इस लेवल की चल रही है कि यहां पर कोई चीज खालस नहीं मिलती और कहीं ना कहीं मिली भगत के साथ सब चीजें हो रही हैं, तो ये सारे पहलुओं के लिए ये बात जरूरी है कि इस तरह के जुमलों से और डोरे लाई जाने वाली के बजाय फिर आप डोरों को सामने लेके आए और आपके अंदर यानी आपकी बात में इतनी हकीकत है और उसमें सदाकत है तो सच्चाई होती है। हिला रहा है, कहां से ला रही लाई जा रही है और वो अवाम के सामने लाए, अदलिया के सामने लाए, तो लाजमी बात है कि आपकी बात अगर सच्ची है तो वो लोगों के दिलों के ऊपर असर करेगी। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। मैं शिराजी साहब आपसे जानना चाहूंगा, पब्लिक पल्स अगर हम चेक करें इस वक्त, तो क्या वाकई दो बयानियां, एक तरफ ये कि नवाशी साहब ने करप्शन की है और उनका ये अंजाम हुआ है, और दूसरी जानब क्या जो वो बयानियां दे रहे हैं कि साजिश हुई है, उसको भी मानने वाले लोग मौजूद है? देखिए, हर दो तरह के लोग मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो वो पाकिस्तान में एक तारीख रही है, आपको ये मानना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जब जब भी जमहूरी अदवार आए हैं तो लोगों को मेरिट पे हटाया गया, बल्कि हाँ कॉन्स्पिरेसीज थी, साजिशें थी, उसके नतीजे में लोगों को हटाया गया और ये एक तारीख है पाकिस्तान की। यहां तक भी कि वज़ीर आज़म को फांसियां भी दी गई, उनको टेन्योर भी पूरा नहीं करने दिया गया, उसके ऊपर बड़े सवाल हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो नवाज शरीफ कह रहे हैं उसका कोई सर पैर नहीं है, बुनियादी तौर पर कहीं ना कहीं हमें एक, एक